वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के स्वामी सूर्य देव 16 सितंबर की शाम 7:52 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में सूर्य देव का यह गोचर कुछ राशियों के लिए लाभदायक रहेगा, तो वहीं कुछ राशियों के लिए सूर्य देव का यह गोचर बहुत सी मुसीबत लेकर आ रहा है। सूर्य का यह गोचर मेष और कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसकी जानकारी देते हुए हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सूर्य का गोचर सिंह राशि से कन्या राशि पर 16 सितंबर को आएगा। सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब कुंभ राशि और मेष राशि वालों के लिए यह अच्छा गोचर नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मेष राशि से सूर्य छठे घर पर आ जाएंगे और वो घर होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, आकस्मिक नुकसान का भी घर होता है। तो इस तरह से आपको मेष राशि वालों को ये परेशानी रहेगी। अगर बात करें तो पंचमेश आपका छठे घर पर जा रहा है, आपको आपकी शिक्षा से संबंधित, आपके पेट से संबंधित, और अगर आपकी संतान है तो आपको संतान संबंधित समस्या आएंगी, यानी कि संतान को स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई में आपकी परेशानी बढ़ सकती है, पढ़ाई में परेशानी आपके स्वास्थ्य की वजह से बढ़ेगी। स्वास्थ्य कैसे खराब होगा? पेट खराब होगा आपका। तो इस समय आपको अपने खाने का रूटीन थोड़ा सा सही करना चाहिए। तो मेष राशि वालों को चंदन का तिलक इस महीने अवश्य लगाना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। अगर वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो गलत ना बोला जाए। कुंभ राशि वालों की बात करें तो उनका सप्तमेश अष्टम पे जा रहा है। सप्तम विवाह का स्वामी है, सप्तमेश यानी कि सूर्य विवाह का स्वामी अष्टम भाव पर जा रहा है, मित्र राशि पे जा रहा है। तो इसका संकेत ये देता है कि आपके जो जीवन साथी हैं वो आप पर हावी हो सकते हैं, आपको डोमिनेट कर सकते हैं किसी बात पर। ऐसा नहीं है कि आपस में आपकी वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन आपको ये महीना ध्यान रखना है कि आप अपने अंदर शांति बनाए रखें। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके तनाव भी होते हैं तो आपको शांति के साथ ही इस समय रहना चाहिए, नहीं तो बात आगे बिगड़ भी सकती है। तो ये समय आप वैवाहिक दृष्टि से कुंभ राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें और व्यापार की दृष्टि से भी थोड़ा सा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। आप कुंभ राशि वालों को सोमवार को भगवान शिव को गुड़ और जल अर्पित करना चाहिए।